हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय कोमल ब्लॉग्स। तो यहाँ देखिए मेहंदी रसम स्टार्ट होने वाला है और ये जो डेकोरेशन है ये हाथ से किया गया है, इसमें कोई वो गुंजाइश नहीं है, तो सब होम मेड है। और मैडम जी हमारी इधर रेडी हो गई हैं और दीदी भी रेडी हो गई हैं और ये हमारा जिगर बेटा भी रेडी हो गया है जो आज सीधे बनारस से लैंड किए, सीधे भदोही। जिगर बोल दो कुछ बोल दो। और देखिए जिगर की मम्मी है, काफी खूबसूरत लग रही हैं। है हमारी मैडम से ज्यादा अच्छी लग रही हैं सब। सुमन दी ज्यादा ओ तेरी की जला दिया मेरे को यार। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया ना। तो यहाँ देखिए सब मेहंदी रस्म के रेडी हो गए हैं और इधर जस्सू भाई भी रेडी हो गए हैं और दूल्हे राजा भी रेडी हो गए हैं। इनको मेहंदी लगेगा आज और उसके बाद डांस होगा भयंकर वाला, वो भी भोजपुरी गानों पे डांस होगा। तो अभी दोस्तों मैं रेडी नहीं हुआ हूँ क्योंकि गलती से मेरा क्या है ना कुर्ता स्किप कर गए हैं। तो कोई नहीं, बैक कैमरा करके आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अम्मा जी इधर बैठी हुई हैं। तो मिलते हैं आप लोग से बैक फ्रंट कैमरा करके। और इधर देखिए हमारे बेटू, बेटू भी ग्रीन कलर पहन रखा है हमारी बेटू ने। क्या लगा रखा है बेटू आपने? हाँ दीदी थोड़ा इसका मुंह पोंछ दीजिए। तो वाइप्स ले लो। वाइप्स नहीं लाया कोई? तो गाइस प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और देखिए हमारे दूल्हे राजा के परम मित्र हैं ये, काफी व्यवहार से भी अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा ही है इनका। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से हैंडशेक लिया। तो बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर में आप लोगों से। देखिए हमारी छोटी साली भी दीदी। अब क्या बाकी है? अब क्या बाकी है? अब क्या बाकी है? कपड़ा चेंज करोगी अभी? दिखाते हैं। तो गाइस पता है मैं ना अपना टी शर्ट और जो कुर्ता था मैं भूल गया हूँ। तो मैं भी ग्रीन मैं गया था घर अभी तो वहाँ से पहन के आया हूँ। मैं क्या यार भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम जो भाई रेडी में दिखाते हैं हम लोगों को। तो देखिए दीदी भी रेडी हो गई हैं, सब लोग काफी अच्छे लग रहे हैं, बस सबसे बेकार हम ही लग रहे हैं। और ये हमारी देखिए मैडम जी। हाँ जी, और ग्रीन ग्रीन काफी अच्छा लग रहा है माहौल। एक ज्वेलरी मेरे पास है और एक इन्होंने पहन रखा है, पहन ही रही हैं। और देखिए दीदी जी हमारी अबका को रेडी कर रही है उधर, रो रही है तो दीदी संभाल रही है। मेहंदी रसम दस्सू रेडी हो गया है। ये भी पहनोगी? नहीं नहीं पहनोगी। चलो देखते हैं। देखिए सर दीदी अबका को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अब क्या रो रही थी। तो दीदी ने सोचा चलो हम ही संभाल लेते हैं। भाभी जी भी आ गई, कमल की बलिया वाली भाभी आ गई है। अच्छे से पिला रही है और मासी को पिलाने ही नहीं। ये देखिए मासी और माँ का प्यार कुछ अलग ही होता है यार। देखिए आप दुलाती है कितना प्यार से पी रही है, देख लीजिए। तो भगवान करे नजर न लगे, ऐसे ही हमेशा दूध पीती रहे। तो गाइस देखिए धन का ये फाइनल लुक है तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये साड़ी इनके मायके से ही आया था तो ये काफी ज्यादा मेरी दीदी के पास है। सेम टू सेम अच्छी लग रही हैं और काफी ज्यादा सुंदर है। ये ऐसे मतलब होता है कि बेकार, ऐसे मतलब डन। ये सब नहीं लगाए तो अभी लगा लो ना, जाने देता है। और तो दोस्तों जितना मेकअप कर ले उतना ही कम है। और देखिए इधर दीदी भी रेडी हो रही है। पता नहीं इनका कितना मेकअप कर ले उतना ही कम लगा रहता है। और हमारी देखिए इधर सड़वाइन जी बैठी हुई है, छोटी साली जी। और ये हमारे कोमल की दोस्त है। थोड़ा सा फ्लैश लाइट करके दिखाते हैं आप लोगों को। कोमल की फ्रेंड मिस अंजलि जी जो काफी ज्यादा इनके अंदर हुनर है, मेहंदी लगा लेती हैं और हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ कर लेती हैं। तो अंजलि जी कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं आपसे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
क्योंकि शादी के पहले हम कोमल से मिले थे, जब कोमल की शादी हुई तभी मिले थे, तो आज शादी होने के बाद मिल रहे हैं पहली बार। तो इनका इनका पता है कुछ कंप्लेन भी है मेरे साथ कि इन्होंने कोमल की शादी में मेरी लगाया था, तो बोले थे कोमल ने इनको कुछ क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जी, नेक, तो इनका नेक अधूरा है अभी, तो आज मैं हूँ साक्षात, तो आज सब कुछ पूरा हो जाएगा। अरे वो नेक नहीं लेगी जी, तब क्या लेगी, दिल लेगी क्या, घर के लोग नेक नहीं लेते हैं। अच्छा बहुत, लेकिन आज के दिन तो देना पड़ेगा। लेकिन अंजलि सच में व्यवहार से बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, मैं इन्हें बहुत दिन से जानता हूँ, अच्छा लगता है ये सब देख के। और इनका लुक बताइए दोस्तों कैसी लग रही है, और इनकी देखिए बड़ी दीदी कैसी लग रही है आप लोग ये भी बताइएगा। सब लोग ग्रीन साड़ी में है, काफी सुंदर लग रही है, और ये भी साड़ी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इनका। हम लोग का वो ज्वेलरी लिए लवली, यही पहनोगी आप? नहीं चेंज करेंगे साड़ी, ये हमारी छोटी साड़ी है, बहुत ज्यादा क्यूट है, देखिए ये है, ये कपड़ा पहन के चल, हमारी बीबी से भी ज्यादा क्यूट है, देखिए जलन हो रही है ये देखो। अरे सुन तो छोटकी मौसी ज्यादा अच्छी है ना, एकदम इसमें कोई पूछे बहुत लवली, सच में दोस्तों बहुत काम करती है, साफ सफाई से लेके खाना पीना तो सब अकेले देखती है, मुझे बहुत गर्व होता है, काश मेरी लवली साली होती। ये देखिए इधर कैसे जलन की बू आ रही है, साली तो है ही वो, क्या साली होती क्या। हाँ हाँ मतलब मैं समझ सकते हो अंदर की फीलिंग में क्या कहना चाहता हूँ मौसी। देखिए इधर दीदी जी अपने भाई साहब को रेडी कर रहे हैं के लिए, ये तो मोमेंट कैद करने में अच्छा लगता है। अरे दीदी आप करिए ना, जाओ जाओ भैया रेडी करो दूल्हे साहब को, क्या हुआ हाँ तो क्या हुआ लगाने दो ना, ये जो अपने माई लगे जो कैसे बोल दो मामा, जो अपने माई लगे जो ऐसे बोला ना, तो मेहमान है वो, कोई बात नहीं जस्सू, ये यूपी है, यूपी में सब चलता है, यूपी है उसकी क्या करेगी वो, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है जो जो माई लगे जो, कोई बात नहीं बच्चे मामा पाउडर नहीं लगाने चाहिए, हो गया मेकअप। हाँ जी तो अभी क्या रो रही थी, तो कोमल हाथ में ले लिया, इसको आपको चलते हैं, इनको चूड़ी अपने हाथ से नहीं पहन पाते, तो हम चलते हैं इनको चूड़ी पहना के मिलते हैं आप लोगों से। व्हाइट टोन ले लो आप, पिंक कलर, तो गाइस ये अपने हाथ से चूड़ी नहीं पहन पाते, व्हाइट टोन ले लो आए, कोई पहनने वाला चाहिए हटा के देख लो, नहीं दिख रहा है तो खाकर के बेटी को भी डालते सबसे दिक्कत होता है इस हाथ में पहनानी, ये हाथ में थोड़ा तो मोटा है, किसी से प्यार नहीं करा रहा, प्यार नहीं होता ना, बहुत मानते हैं आप, लाओ बेटू यही लाओ, पापा है नहीं करते, चलो पहना दिया, बाकी दोस्तों सभी रेडी हो गए हैं। ये रूसी भी दिख रही है आप, अभी रूसी भी आएगी तो दिखा दो क्या पहनती है, चलो फाइनली सब लोग मेहंदी रसम के लिए रेडी हो गए हैं, बट एक मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरा कुत्ता नहीं है और इस टाइम में लेने भी नहीं सकता, चलो मैंने ग्रीन पहना है तो ये भी काम चल जाएगा, और क्या चलो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी सब लोग रेडी हो गए हैं, देखिए बताइए कैसी लग रही है, ब्यूटीफुल वाइफ माई लाइफ लाइन, थोड़ा ज़्यादा मतलब उनको लगता है कि क्या बोल दिए हैं, कोई नहीं ब्लॉग को समाप्त करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।